गुड मॉर्निंग ऑल, माई सेल्फ डॉक्टर राजीव गोयल वेलकम यू ऑल ऑन द नेक्स्ट लेक्चर ऑन द ऑपरेटिंग सिस्टम। इन टूडेज लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द वेरियस प्रोसेस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स एंड वेरियस टाइप्स ऑफ शेड्यूलिंग इन अ ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। सो वट इज द प्रोसेस शेड्यूलिंग? द प्रोसेस शेड्यूलिंग इज द एक्टिविटी ऑफ द प्रोसेस मैनेजर दैट मैनेजेज द रिमूवल ऑफ द रनिंग प्रोसेस फ्रॉम द सीपीयू एंड सिलेक्शन ऑफ अनदर प्रोसेस ऑन द बेसिस ऑफ पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी। जैसे कि हमारे पास पता है कि हमारे पास आजकल क्या मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम्स हैं, तो उसमें क्या है मोर देन वन प्रोसेस एट अ सिंगल टाइम, हमारे पास सीपीयू अलॉट हो सकता है, तो और वो जो सीपीयू अलॉट होता है दैट इज वेरी फास्ट, सो दैट वी कैन अज्यूम दैट सीपीयू इज हैंडलिंग मैनी प्रोसेस एट द सेम टाइम। बट द इट इज नॉट द सिनारियो। उसमें क्या होता है हमारा प्रोसेसर बहुत जल्दी स्वैप होती है सीपीयू के साथ, तो हमें लगता है कि सीपीयू सभी प्रोसेसर को एक साथ हैंडल कर रहा है, जबकि वो क्या करता है उनकी स्विचिंग करता है। तो प्रोसेस मैनेजर क्या है, हमारे प्रोसेस शेड्यूलिंग क्या है? तो प्रोसेस शेड्यूलिंग एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें एक प्रोसेस मैनेजर होता है, वो क्या करता है एक रनिंग प्रोसेस को रिमूव करता है सीपीयू से और उसके बदले दूसरी प्रोसेस सीपीयू को अलॉट करवाता है। प्रोसेस शेड्यूलिंग एज एन असेंशियल पार्ट ऑफ मल्टी ऑपरेटिंग मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसा अभी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जब हमारे पास मोर देन वन प्रोग्राम मेमोरी में हो तो वहां पे हमारे पास प्रोसेस शेड्यूलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। सच ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ मोर देन वन प्रोसेस टू बी लोडेड इन टू द एग्जीक्यूटेबल मेमरी एट अ टाइम एंड द लोडेड प्रोसेस शेयर द सीपी यूजिंग द टाइम मल्टीप्लेक्सिंग। टाइम मल्टीप्लेक्सिंग मीन्स टाइम बेसिस पे वो आपस में सीपीयू को शेयर करती हैं। कौन सी प्रोसेसेस? वो वाली सारी प्रोसेसेस जो एग्जीक्यूटेबल मेमोरी मींस प्राइमरी मेमोरी में प्रेजेंट है एट अ टाइम। अब प्रोसेस शेड्यूलिंग क्यूज। द ओएस मेंटेन्स ऑल पीसीबीज प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक्स इन प्रोसेस शेड्यूलिंग क्यूज। तो हमारे पास डिफरेंट प्रोसेसेस है, तो डिफरेंट प्रोसेसेस के क्या होंगे डिफरेंट पीसीबीज भी होंगे, तो उन पीसीबी डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस के पीसीबीज को प्रोसेस शेड्यूलिंग डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस शेड्यूलिंग क्यूज में रखा जाता है। तो हमारे पास डिफरेंट टाइप के क्यूज हैं हमारे, जैसे जॉब क्यू। जॉब क्यू है, दिस क्यू कीप्स ऑल द प्रोसेसेस इन द सिस्टम। तो जॉब क्यू में क्या होंगी, जो सारी प्रोसेसेस हमें एग्जीक्यूट करवानी है वो सारी प्रोसेसेस किस में होंगी, जॉब क्यू में होंगी। रेडी क्यू, ऐसी प्रोसेसेस जिनको हम सीपीयू अलॉट करना चाहते हैं वो किस में होंगी, रेडी क्यू में। द क्यू कीप्स सेट ऑफ ऑल प्रोसेसेस रिजाइडिंग इन द मेन मेमोरी रेडी एंड वेटिंग टू एग्जीक्यूट फॉर अ सीपीयू। ऐसी प्रोसेसेस जो क्या हो मेन मेमोरी में हो और रेडी हो एग्जीक्यूशन के लिए विद द हेल्प ऑफ सीपीयू, ऐसी प्रोसेसेस को हम किस में रखते हैं, रेडी क्यू में। डिवाइस क्यू, ऐसी नाम से क्लियर, ऐसी प्रोसेसेस जो क्या हो किसी इनपुट या आउटपुट डिवाइस के लिए वेट कर रही है उनको हम करते हैं डिवाइस क्यू में। द प्रोसेसेस व्हिच आर ब्लॉक्ड ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ आईओ डिवाइस कॉन्स्टिट्यूट दिस क्यू। Means these are waiting for some IO operation. तो देखिए सबसे पहले क्या है हमारे पास, इस आर्किटेक्चर से क्लियर हो जाएगा, जितनी भी प्रोसेसेस हमारे पास सिस्टम में एंटर करेंगी वो सभी किस में होंगी, जॉब क्यू में। अब जॉब क्यू के बाद हमारे पास जो प्रोसेसेस क्या होंगी, रेडी होंगी सीपीयू को अलॉट में जाने के लिए, उनको हम किस में डालेंगे, रेडी क्यू में। अब रेडी क्यू की प्रोसेसेस को हम सीपीयू अलॉट कर सकते हैं। अब सीपीयू से अब दो तरीके से हमारे पास सीपीयू, जैसा हमने प्रोसेस स्टेट में किया था कि या तो वो प्रोसेस क्या करे आईओ के लिए वेटिंग करे, तो वो किस में चली जाएगी, आईओ वेटिंग क्यू में चली जाएगी और उसके बाद उसको आईओ इनपुट आउटपुट मिल जाएगी और वो दोबारा से रेडी क्यू में हो जाएगी। या फिर जब उस प्रोसेस को दिया हुआ टाइम कंप्लीट हो जाता है तो वो डायरेक्टली किस में आ जाती है, रेडी क्यू में, और उसके बाद आफ्टर कंप्लीशन इट विल एग्जिट। तो सबसे पहले प्रोसेस जॉब क्यू में आएगी, उसके बाद रेडी क्यू में जाएगी, रेडी क्यू से उसको सीपीयू अलॉट होगा और सीपीयू अलॉट करते ही अगर उसको किसी और आईओ ऑपरेशन की जरूरत है तो वो आईओ वेटिंग क्यू में आएगी, और अगर उसको आईओ ऑपरेशन की जरूरत नहीं है और उसका जो सीपीयू अलोकेशन टाइम था वो कंप्लीट हो जाता है तो वो दोबारा से रेडी क्यू में चली जाती है। दिस वन इज द पैटर्न ऑफ द डिफरेंट क्यूज इन अ ऑपरेटिंग सिस्टम। नाउ वी हैव टू टाइप्स ऑफ द प्रोसेस मॉडल, टू स्टेट प्रोसेस मॉडल। ऐसी प्रोसेस मॉडल जिसमें केवल दो स्टेट्स हो, मींस या तो रनिंग होगी या नॉट रनिंग होगी। टू स्टेट प्रोसेस मॉडल रेफर्स टू रनिंग एंड रनिंग स्टेट्स। रनिंग स्टेट क्या होगा, व्हेन अ न्यू प्रोसेस इज क्रिएटेड इट एंटर्स इनटू द सिस्टम एज इन अ रनिंग स्टेट। नॉट रनिंग, द प्रोसेस दैट आर नॉट रनिंग आर केप्ट इन अ क्यू वेटिंग फॉर देयर टर्न टू एग्जीक्यूट। ईच एंट्री इन द क्यू इज अ पॉइंटर टू पर्टिकुलर प्रोसेस, क्यू इज इंप्लीमेंटेड यूजिंग अ लिंक्ड लिस्ट।
Use of dispatcher is as follows: when a process is interrupted, the process is transferred in the waiting queue, and if process has completed or aborted the process, then dispatcher selects the process from the queue to execute. इसको हम आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में. उससे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज अ शेड्यूलर. तो नाम से ही क्या है, क्लियर हो रहा है शेड्यूलर क्या है. इस तरह के हमारे पास सिस्टम्स हैं, वो हार्डवेयर भी हो सकता है और सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, जो डिफरेंट टाइप के प्रोसेसेस को शेड्यूल करे कि कब उसको सीपीयू अलॉट होना है और कब अलॉट नहीं होना. तो वी हैव शेड्यूलर्स आर स्पेशल सिस्टम सॉफ्टवेयर विच हैंडल प्रोसेस शेड्यूलिंग इन वेरियस वेज. देयर मेन टास्क इज टू सेलेक्ट द जॉब्स टू बी सबमिटेड इन टू द सिस्टम एंड डिसाइड विच प्रोसेस टू रन. तो बेसिकली थ्री टाइप्स के शेड्यूलर हैं हमारे पास: लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर एंड मीडियम टर्म शेड्यूलर. तो पहले हम बात करेंगे लॉन्ग टर्म शेड्यूलर की. इसको हम जॉब शेड्यूलर भी बोल लेते हैं. इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ जॉब शेड्यूलर. लॉन्ग टर्म शेड्यूलर और जॉब शेड्यूलर डिटरमिन्स विच प्रोग्राम्स आर एडमिटेड टू द सिस्टम फॉर प्रोसेसिंग. तो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर डिसाइड करेगा कि कौन से प्रोग्राम सिस्टम में एंटर करेंगे फॉर एग्जीक्यूशन. मीन्स ये मेमोरी में कि कौन से प्रोग्राम मेन मेमोरी में एलोकेट हो. इट सेलेक्ट द प्रोसेसिस फ्रॉम द क्यू एंड लोड्स देम इन टू द मेमरी फॉर एग्जीक्यूशन. प्रोसेस लोड्स इन टू द मेमरी फॉर द सीपीयू शेड्यूलिंग. तो बेसिकली लॉन्ग टर्म शेड्यूलर क्या है, जो प्रोग्राम्स को एडमिट करता है सिस्टम में. द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ जॉब शेड्यूलर इज टू प्रोवाइड अ बैलेंस्ड मिक्स ऑफ द जॉब सच एज आईओ बाउंड जॉब्स एंड प्रोसेस बाउंड. तो ये ध्यान रखता है कि मिक्स जो बैलेंस्ड मिक्सचर बना रहे आईओ बाउंड प्रोसेसिस का मीन ऐसी प्रोसेसिस जिनको इनपुट या आउटपुट यूनिट चाहिए, और ऐसी प्रोसेसिस जो प्रोसेसर बाउंड हो मीन सीपीयू चाहिए जिनको. इट ऑल्सो कंट्रोल्स द डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग. अब कैसे कि अगर इसने ज्यादा प्रोसेसेस सिस्टम में एंटर करवा दिया है, तो उससे हमारे पे क्या होगा, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग इंक्रीज हो जाएगी. और अगर वो प्रोसेसेस को स्वैप आउट कर देता है, तो डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग रिड्यूस हो जाएगी. इफ द डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग इज स्टेबल, देन एवरेज रेट ऑफ प्रोसेस क्रिएशन मस्ट बी इक्वल टू द एवरेज डिपार्चर रेट ऑफ प्रोसेसेस लीविंग द सिस्टम. कि अगर हमारे पास जितनी प्रोसेसेस सिस्टम से बाहर जा रही हैं और उतनी ही प्रोसेसेस सिस्टम एंटर कर रही हैं, तो उसको हम बोलते हैं स्टेबल मल्टी प्रोग्रामिंग. ऑन सम सिस्टम लॉन्ग टर्म शेड्यूलर मे नॉट बी अवेलेबल और वेरी मिनिमम. लॉन्ग टर्म शेड्यूलर जरूरी नहीं है सभी सिस्टम्स में हो, ये डिपेंड करता है. टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम डज नॉट हैव लॉन्ग टर्म शेड्यूलर. टाइम शेयरिंग सिस्टम्स में लॉन्ग टर्म शेड्यूलर नहीं होता. सेकेंड टाइप है शॉर्ट टर्म शेड्यूलर. इसका मतलब क्या है कि ये सीपीयू शेड्यूलर भी उसको बोलते हैं. उसको हम बोलते थे जॉब शेड्यूलर, उसको बोलते हैं सीपीयू शेड्यूलर. मींस ये उन प्रोसेसेस को शेड्यूल करेगा जिनको हमें सीपीयू अलॉट करवाना है. इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज टू इंक्रीज द सिस्टम परफॉर्मेंस इन अकॉर्डेंस विद द चूजन सेट ऑफ क्राइटेरिया. इट इज द चेंज ऑफ रेडी स्टेट टू द रनिंग स्टेट ऑफ द प्रोसेस. देखिए लॉन्ग टर्म शेड्यूलर किस में लेके आता था, रेडी स्टेट में लेके आता था. और जब किसी रेडी स्टेट की प्रोसेस को सीपीयू अलर्ट करवा दिया जाए, तो उसको बोलते हैं रनिंग स्टेट. मींस इट विल मेंटेन द रनिंग स्टेट ऑफ द डिफरेंट प्रोसेसेस. सीपीयू शेड्यूलर सिलेक्ट्स अ प्रोसेस अमंग द प्रोसेसेस दैट आर रेडी टू एग्जीक्यूट एंड एलोकेट्स सीपीयू टू वन ऑफ देम. तो ये जो रेडी क्यू में लॉन्ग टर्म शेड्यूलर ने जो प्रोसेसेस या प्रोग्राम्स एंटर करवाए थे, उनमें से ध्यान रखता है कि कौन सी प्रोसेस को किस टाइम पे सीपीयू अलॉट करवाना है. इट इज ऑल्सो नोन एज द डिस्पैचर, क्योंकि ये डिस्पैच करता है सीपीयू के पास प्रोसेसेस को. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द डिस्पैचर. इट मेक्स द डिसीजन ऑफ विच प्रोसेस टू एग्जीक्यूट नेक्स्ट. शॉर्ट टर्म शेड्यूलर्स आर फास्टर देन द लॉन्ग टर्म शेड्यूलर्स. नेक्स्ट इज द मीडियम टर्म शेड्यूलर. इट इज अ पार्ट ऑफ द स्वैपिंग. इट रिमूव द प्रोसेसेस फ्रॉम द मेमरी. ये क्या करता है, मेन मेमरी में से प्रोसेसेस को रिमूव करता है. इट रिड्यूसेस द डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग. डिस्पैचर क्या, जो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर था वो कंट्रोल करता था डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को, और ये मीडियम टर्म शेड्यूलर है, ये क्या करता है, मेमोरी में से प्रोसेसेस को बाहर निकालता है. दैट्स व्हाई इट रिड्यूसेस द डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग. द मीडियम टर्म शेड्यूलर इज इन चार्ज ऑफ हैंडलिंग द स्वैप्ड आउट प्रोसेसेस. इसको हम नेक्स्ट यूनिट्स में देखेंगे कि व्हाट इज स्वैपिंग. तो बेसिकली फॉर द टाइम बीइंग स्वैपिंग मीन्स रिमूवल ऑफ द प्रोसेसेस फ्रॉम द मेन मेमोरी. तो ये क्या करता है, मेन मेमोरी में से प्रोसेसेस को बाहर निकालता है मीडियम टर्म शेड्यूलर. रनिंग प्रोसेस में बिकम सस्पेंडेड इफ इट मेक्स एन आईओ प्रोसेस रिक्वेस्ट. तो ये क्या कह रहा है कि कोई एक प्रोसेस रनिंग में थी,
लेकिन अगर वो आईओ रिक्वेस्ट कर देती है तो उस समय उसको क्या करना पड़ेगा, हमें सस्पेंड कर सकते हैं। इस सस्पेंडेड प्रोसेस कैन नॉट मेक प्रोग्रेस टुवर्ड्स द कंप्लीशन, तो वो सस्पेंडेड प्रोसेस है वो प्रोग्रेस नहीं करेगी। इन दिस कंडीशन टू रिमूव द प्रोसेस फ्रॉम मेमोरी एंड मेक स्पेस फॉर अनदर प्रोसेसेस इज डन बाय द मीडियम टर्म शेड्यूलर, कि जो प्रोसेसेस आईओ बाउंड है उनको फिलहाल मेमोरी में से स्वैप आउट करना और उसके बदले न्यू प्रोसेस को मेमोरी में लेके आना, दैट इज द वर्किंग ऑफ अ मीडियम टर्म शेड्यूलर। नाउ वी हैव द डिफरेंस बिटवीन द थ्री टाइप्स ऑफ शेड्यूलर। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर इट इज अ जॉब शेड्यूलर, शॉर्ट टर्म इट इज अ सीपीयू शेड्यूलर, मीडियम टर्म इट्स इज अ प्रोसेस स्वैपिंग शेड्यूलर। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर की स्पीड क्या है, बहुत स्मॉल है, इसकी स्पीड क्या है, बहुत ही हाई होती है और इसकी स्पीड लाइज बिटवीन द दीज टू। ये क्या करता है, कंट्रोल्स द डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। शॉर्ट टर्म शेड्यूलर क्या करता है, कंट्रोल्स द लेस प्रोसेसेस व्हिच आर टू बी एलोकेटेड टू द सीपीयू, एंड मीडियम टर्म शेड्यूलर रिड्यूसेस द डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। शॉर्ट टर्म शेड्यूलर का कंट्रोल नहीं होता, इट प्रोवाइड्स लेसर कंट्रोल ओवर द डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर टाइम शेयरिंग सिस्टम में एबसेंट होता है। शॉर्ट टर्म शेड्यूलर इज मस्ट फॉर द इज आल्सो मिनिमल एंड इट इज द मीडियम टर्म शेड्यूलर इज अ एसेंशियल पार्ट ऑफ अ टाइम शेयरिंग सिस्टम। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर क्या करता है, मेमोरी में मेन मेमोरी में लोड करता है प्रोग्राम्स को। शॉर्ट टर्म शेड्यूलर क्या करता है, सीपीयू अलॉट करवाता है प्रोसेसेस को, और मीडियम टर्म शेड्यूलर क्या करता है, प्रोसेसेस को रिमूव करवाता है मेन मेमोरी में से जब वो एग्जीक्यूशन उनकी स्टॉप हो जाती है। नेक्स्ट इज अ कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। जैसा कि अभी हमने बताया, डिस्कस किया है कि मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम्स में क्या होता है, मोर देन वन प्रोसेस रिमेन्स इन द मेमोरी, मेन मेमोरी में एक टाइम में एक से ज्यादा प्रोसेसेस रहती हैं, तो सीपीयू उनमें से किसी एक प्रोसेस को अलॉट होता है और जैसे सीपीयू का टाइम उस प्रोसेस से कंप्लीट होता है तो वो दूसरी प्रोसेस पे चला जाता है। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस का सीपीयू अलॉट होना इज नोन एज द कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। तो कॉन्टेक्स्ट स्विच इज अ मैकेनिज्म टू स्टोर एंड स्टोर द स्टेट और कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सीपीयू इन प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक सो दैट द प्रोसेस एग्जीक्यूशन कैन बी रिज्यूम्ड फ्रॉम द सेम पॉइंट एट अ लेटर टाइम। जब एक प्रोसेस क्या कर रही है, हमारे पास सीपीयू अलॉट हो गया और उसका सीपीयू वहां से डिस अलॉट होना है, तो वो क्या करता है, पीसीबी के उस प्रेजेंट जो स्टेट है उसको रिज्यूम रखता है ताकि नेक्स्ट टाइम जब उसको सीपीयू अलॉट हो तो वो प्रोसेस वहां से ही स्टार्ट हो, शुरू से ना चले। यूजिंग दिस टेक्निक द कॉन्टेक्स्ट स्विच एनेबल मल्टीपल प्रोसेसेस टू शेयर अ सिंगल सीपीयू। अब देखिए इस फिगर से हमें क्लियर हो जाएगा दैट दिस वन इज अवर सीपीयू एलोकेशन। सबसे पहले सीपीयू प्रोसेस पी वन के पास था और उसके बाद प्रोसेस पी वन का जैसे टाइम बाउंड कंप्लीट हुआ तो सीपीयू प्रोसेस पी टू पे जाना है, लेकिन पी टू पे जाने से पहले वो क्या करेगा, पी वन की करंट स्टेट को कितना पार्ट उसका एग्जीक्यूट हो चुका है उसको सेव करेगा। तो प्रोसेस पी वन को सीपीयू अलॉट था और जैसे ही सीपीयू उससे डी एलोकेट होना है तो वो क्या करेगा, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में पी वन की स्टेट को सेव कर देगा कि कहां तक का उसका पार्ट एग्जीक्यूट हो चुका है। उसका सीपीयू क्या होगा, प्रोसेस पी टू को अलोकेट हो जाएगा और प्रोसेस पी टू के प्रोसेस कंट्रोल बॉक्स में से वो देखेगा कि कितना पार्ट उसका एग्जीक्यूट हो चुका है और उसके अकॉर्डिंग उस प्रोसेस को वो आगे प्रोसेस पी टू को उससे फर्दर एग्जीक्यूट करना शुरू कर देगा। और उसके जैसे उसका सीपीयू बाउंड कंप्लीट होता है अगेन वो क्या करेगा, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक ऑफ पी टू के में पी टू की करंट स्टेट को सेव करेगा। और उसके बाद बिकॉज सीपीयू प्रोसेस पी वन को अलॉट होना है तो वो क्या करेगा, सबसे पहले यहाँ पे जो हमने पी वन की स्टेट सेव की थी वो सबसे पहले उस स्टेट को रिट्रीव करेगा ये कितना पार्ट हो चुका है, और उसके बाद प्रोसेस पी वन को उससे फर्दर एग्जीक्यूट करना शुरू कर देगा। इन दिस वे द कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग एग्जीक्यूट्स। After the context switching, we will discuss about the various types of the CPU scheduling algorithm. जैसा हम already discuss कर चुके हैं, a process scheduler schedule different processes to be assigned to the CPU based upon the particular scheduling algorithm. There are six popular process scheduling algorithm or CPU scheduling algorithm भी इनको हम बोल सकते हैं, which are going to discuss in this. There are different six first come first serve scheduling algorithm,
शॉर्टेस्ट जॉब नेक्स्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम एल्गोरिथम, राउंड रॉबिन एल्गोरिथम एंड मल्टीपल लेवल क्यू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। अब बेसिकली अगर हम बात करें, बेसिकली हमारे पास दो तरीके के एल्गोरिथम्स होते हैं, एक प्रीएम्प्टिव एल्गोरिथम्स और एक नॉन प्रीएम्प्टिव एल्गोरिथम। प्रीएम्प्टिव एल्गोरिथम्स क्या है हमारे पास, सर पहले हम डिस्कस नॉन प्रीएम्प्टिव। नॉन प्रीएम्प्टिव एल्गोरिथम्स क्या है, ऐसे एल्गोरिथम्स हैं जिनमें हमारे पास क्या है, अगर सीपीयू को एक प्रोसेसर लोकेट हो गई है तो इट कैन नॉट बी प्रीएम्प्टेड अंटिल इट कंप्लीट्स इट्स एलोटेड टाइम। कि एक प्रोसेस मान लो हमारे पास प्रोसेस P1 थी और इसको सीपीयू अलॉट हुआ है 5 नैनो सेकेंड के लिए और 5 मिली सेकेंड के लिए, तो प्रोसेस P1 सीपीयू प्रोसेस P1 पे तब तक रहेगा जब तक कि उसके 5 मिली सेकेंड कंप्लीट नहीं हो जाते। और दूसरी टाइप के प्रोसेसेस हैं हमारे पास नॉन सॉरी प्रीएम्प्टिव प्रोसेसेस। मान लीजिए क्या थी, हमारे एक प्रोसेस P1 है जिसको सीपीयू अलॉट हुआ था 5 मिली सेकेंड के लिए, तो जैसे ही हमारे पास क्या है, अब अगर हम बात करें नॉन प्रीएम्प्टिव की, तो एक P2 प्रोसेस आई जिसकी प्रायोरिटी क्या थी, हाई थी एज कंपेयर टू प्रोसेस P1। तो अगर हम बात करें और इसके अभी क्या हुआ, 2 मिली सेकेंड कंप्लीट हुए थे, 2 मिली सेकेंड के बाद क्या होता है, एक प्रोसेस P2 आ जाती है। तो अगर हम बात करते हैं नॉन प्रीएम्प्टिव, तो P2 की प्रायोरिटी ज्यादा थी P1 से, लेकिन फिर भी P2 सीपीयू अलॉट नहीं होगा P2 को जब तक के उसके 5 मिली सेकेंड कंप्लीट नहीं होते। लेकिन अगर हम बात करते हैं प्रीएम्प्टिव एल्गोरिथम्स की, तो P2 प्रोसेस क्या आई है, 2 मिली सेकेंड पे आई है और इसके अभी भी 3 मिली सेकेंड पड़े थे कंप्लीट होने के, तो क्या होगा, P2 की प्रायोरिटी ज्यादा है P1 से, तो सीपीयू क्या होगा, एकदम से यहाँ पे स्विच कर जाएगा P2 के पास और P2 को कंप्लीट करने के बाद वो दोबारा से स्विच होगा P1 के पास। तो प्रीएम्प्टिव में क्या होगा कि अगर एक हाइयर प्रायोरिटी की प्रोसेस आ जाती है तो सीपीयू क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली स्विच हो जाएगा हाइयर प्रायोरिटी की प्रोसेस के पास इन केस ऑफ प्रीएम्प्टिव। लेकिन इन नॉन प्रीएम्प्टिव क्या होगा, जिस प्रोसेस को एक बार सीपीयू अलॉट हो गया तो जब तक कि उसका सीपीयू एलोकेटेड टाइम कंप्लीट नहीं होता, चाहे कोई भी प्रोसेस आ जाए दूसरी, तब तक वो उस प्रोसेस से स्विच नहीं करेगा। अब है सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व क्या है हमारे पास, इट इज अ नॉन प्रीएम्प्टिव। नॉन प्रीएम्प्टिव का मतलब क्या है हमारे पास, कि अगर एक बार एक प्रोसेस को अलॉट हो गया है तो वो प्रोसेस उसको रिमूव नहीं करेगी सीपीयू को जब तक कि उसका एलोकेशन कंप्लीट नहीं होती। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिथम, जॉब्स आर एग्जीक्यूटेड ऑन द फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस बेसिस। तो जो प्रोसेस पहले आई है उसको सीपीयू पहले अलॉट होगा, जो प्रोसेस बाद में आई है उसको प्रोसेस को सीपीयू अलॉट बाद में होगा। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द FCFS, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। इट इज अ नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। ये क्या है, एक नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है, मींस एक प्रोसेस को जब सीपीयू अलोकेट हो गया तो उसके बाद जब तक उसका सीपीयू बाउंड कंप्लीट नहीं होता तब तक के हमारे पास वो सीपीयू उस प्रोसेस से रिमूव नहीं होगा। इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड एंड इम्प्लीमेंट। इट इज बेस्ड अपॉन द फीफो क्यू, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट क्यू बेसिस पे ये एग्जीक्यूट होता है। इट इज वेरी पुअर इन परफॉर्मेंस एज एवरेज वेटिंग टाइम इज वेरी हाई। देखिए कैसे, मान लो एक प्रोसेस हमारे पास डिफरेंट चार प्रोसेस हैं, P0, P1, P2, P3, और ये उनका अराइवल टाइम है कि प्रोसेस P0 कब आई है, 0 टाइम पे आई, P1 कब आई है, 1 टाइम पे आई, P2 कब आई है, P2 टाइम पे आई, और P3 कब आई है, 3 टाइम के ऊपर आई है सिस्टम। और ये उनका एग्जीक्यूशन टाइम कि कितनी देर उनको एग्जीक्यूट होने में लगेगी, या इसको हम सीपीयू बस्ट टाइम भी बोल देते हैं, सीपीयू बस्ट टाइम, कि उसको कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा। तो पहली प्रोसेस को कंप्लीट होने में 5 सेकेंड 5 टाइम यूनिट्स लगेंगी, दूसरे वाली प्रोसेस कंप्लीट होने में 3 टाइम यूनिट्स लगेंगी, फोर्थ वाली प्रोसेस को कंप्लीट होने में 8 टाइम यूनिट्स लगेंगी, और थर्ड वाली प्रोसेस को कंप्लीट होने में 6 टाइम यूनिट। तो इतना पार्ट हमें क्या होगा, ये वाला सारा पार्ट क्या होगा, क्वेश्चन में गिवन होगा। अब उसके बाद हमने देखना है कि उस प्रोसेस को सीपीयू कब अलॉट हुआ। देखिए हमारे पास क्या थी, प्रोसेस 0 टाइम पे आई तो इसको सीपीयू, और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है तो इसको सीपीयू भी कभी मिल कब मिल जाएगा, एकदम से 0 टाइम पे कंप्लीट मिल जाएगा। उसके बाद ये प्रोसेस कब तक चलती रहेगी, बिकॉज इसका सीपीयू बस्ट टाइम क्या है, 5 है, तो ये प्रोसेस कब तक चलती रहेगी, तो इसका हम गैंट चार्ट बनाएंगे इस तरीके से।
प्रोसेस सबसे पहले एक जीरो टाइम पे, जीरो टाइम पे एक प्रोसेस आई, कौन सी? पी वन। सबसे पहले हम प्रोसेस इस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के लिए गैंट चार्ट क्रिएट करेंगे। गैंट चार्ट क्रिएट करने के लिए देखिए, सबसे पहले जीरो टाइम पीरियड पे हमारे पास कौन सी प्रोसेस आई है? पी जीरो प्रोसेस आई है, तो हमने पी जीरो। और ये कब तक एग्जीक्यूट होती रहेगी? बिकॉज नॉन प्रीएम्प्टिव है, तो ये जब तक इसका पूरा सीपीयू टाइम एलोकेट कंप्लीट नहीं हो जाता, तो 5 सेकंड के लिए इसका एग्जीक्यूशन टाइम था, ये 5 टाइम के लिए एग्जीक्यूट होती रहेगी। अब देखिए, 5 टाइम पे कंप्लीट होने के बाद अगली प्रोसेस कौन सी आई थी सिस्टम में? पी वन आई थी, और इसको कितना टाइम चाहिए? 3 टाइम चाहिए, तो ये 5 + 3 8, तो 8 टाइम के लिए कौन सी प्रोसेस रहेगी सिस्टम में? पी वन। अब 8 टाइम पे देखिए क्या हुआ है, 8 टाइम पे अगली प्रोसेस कौन सी आई है सिस्टम में? 2 सेकंड पे कौन सी आ चुकी थी? पी टू प्रोसेस आ चुकी थी, तो मीन्स 8 टाइम पे पी टू अवेलेबल है, तो इसको हम एलोकेट करवाएंगे। और कितनी देर के लिए करवाएंगे? इसका एग्जीक्यूशन टाइम भी 8 है, तो 8 और 8, तो पी टू प्रोसेस कब तक रही? 8 + 8 16 सेकेंड, 16 टाइम तक सिस्टम में रही। उसके बाद प्रोसेस पी थ्री आई है, पी थ्री कब आई है हमारे पास? 3 टाइम यूनिट पे आई है, तो 16 टाइम यूनिट पे अवेलेबल रहेगी। और कितना इसका बस टाइम है? तो पी थ्री हमारे पास आई 16 पे, और इस एलोकेट हुआ इसको कब? सीपीयू 16 पे, और कब तक चलती रहेगी ये? 16 + 6 22 टाइम यूनिट। अब हमें यहाँ पे देखना है इसका एवरेज वेटिंग टाइम। अब देखो, प्रोसेस पी जीरो कब आई थी? 0 टाइम पे ही आई थी, और उसको सीपीयू कब अलॉट हो गया? 0। तो इस प्रोसेस का वेटिंग टाइम कितना है? 0 - 0 0। अब प्रोसेस पी वन को सीपीयू कब अलॉट हुआ है? 5, और ये आई कब थी? 1 पे, तो इसका वेटिंग टाइम कितना हो जाएगा? 5 - 1 4। ऐसी प्रोसेस पी टू, अब प्रोसेस पी टू में देखिए कब आई है वो सिस्टम में? 8, सॉरी, कब अलॉट हुआ है उसको सीपीयू? 8 पे अलॉट हुआ है, और आई कब थी? वो 2 पे, तो इसका सीपीयू टाइम, सॉरी, वेटिंग टाइम कितना हुआ है जब उसको सीपीयू अलॉट हुआ? 8 माइनस जब वो आई थी अराइवल टाइम 2, तो 8 - 2 6। ऐसे ही प्रोसेस पी थ्री देखिए, पी थ्री को सीपीयू कब अलॉट हुआ है? 16 पे, और वो आई कब थी? 3 पे, तो उसका वेटिंग टाइम कितना हो जाएगा? 16 - 3 13। तो एवरेज वेटिंग टाइम कितना हो गया? पी जीरो का वेटिंग टाइम प्लस पी वन का वेटिंग टाइम प्लस पी टू का वेटिंग टाइम प्लस पी थ्री का वेटिंग टाइम डिवाइडेड बाय जितनी भी प्रोसेसेस हैं। कितनी प्रोसेसेस है? 1 2 3 4 4। तो एवरेज वेटिंग टाइम कितना आ गया इसमें? 5.75 टाइम यूनिट्स। अब ऐसे ही हमारे पास है शॉर्टेस्ट जॉब नेक्स्ट, नाम से क्लियर है। इसका मतलब क्या है? सीपीयू उस प्रोसेस को मिलेगा जिसका एवरेज, जिसका जो क्या है बर्स्ट टाइम क्या है? कम है। इट इज ऑल्सो नोन एज द शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, कि जो इस जॉब का बर्स्ट टाइम, जिस जॉब को कंप्लीट होने के लिए एग्जीक्यूशन टाइम कम है, उसको सीपीयू पहले अलॉट करवाना है। इट इज ऑल्सो अ नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। ये भी क्या है हमारे पास? एक नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। मीन्स सीपीयू अगर एक प्रोसेस को मिल गया, तो जब तक उसका एग्जीक्यूशन टाइम कंप्लीट नहीं होता, तब तक सीपीयू आप वहां से फ्री नहीं करवा सकते। इट इज द बेस्ट अप्रोच फॉर द मिनिमाइज वेटिंग टाइम। इस प्रोसेस में वेटिंग टाइम जो होता है मिनिमम होता है एज कम्पेयर टू अदर शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स जो नॉन प्रीएम्प्टिव है। Easy to implement in batch system where CPU time is known in advance. अब देखिए, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? CPU time में। तो हमारे पास batch processing systems में पता होता है कि किस प्रोसेस को कितनी देर के लिए CPU allowed करना है, तो batch systems में ये easy है maintain करना। लेकिन जो interactive systems हैं, जहाँ पे हमारे पास processes को CPU allocation time हमें नहीं पता होता कि किस प्रोसेस को कितना CPU चाहिए, तो उस processes में ये maintain करना मुश्किल हो जाता है। द प्रोसेस शुड नो इन एडवांस हाउ मच टाइम प्रोसेस विल टेक। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट इसकी रिक्वायरमेंट है वो क्या है कि हर एक डिस्पैचर को पता होना चाहिए कि उस प्रोसेस को कंप्लीट होने के लिए कितना सीपीयू टाइम चाहिए। तो वह अगेन वही ऊपर वाला ही हम एल्गोरिथम लेके चलते हैं। तो हमारे पास क्या चीजें? 3 चीजें गिवन होगी। क्या क्या? प्रोसेस का नाम, वो कब आई है, और कितना उसको एग्जीक्यूशन टाइम मीन्स बर्स्ट टाइम सीपीयू बस्ट टाइम। तो हमारे पास वही सेम ऊपर वाला सिनारियो है, 4 प्रोसेसेस हैं। पहली प्रोसेस आई है 0 टाइम पे, दूसरी आई 1 टाइम पे, तीसरी आई है 2nd टाइम पे, और 4th आई है 3rd टाइम पे। और उनका फर्स्ट प्रोसेस को कंप्लीट होने के लिए 5 टाइम यूनिट चाहिए, सेकंड को 3 टाइम यूनिट चाहिए, फोर्थ को 8 टाइम यूनिट चाहिए, और फोर्थ को 6 टाइम यूनिट चाहिए। अब हमें निकालना है इसका
वेटिंग टाइम। तो उसके लिए हम सबसे पहले गैंट चार्ट क्रिएट करेंगे। देखिए शॉर्टेस्ट जॉब है तो हमारे पास सबसे पहले जीरो टाइम यूनिट पे सबसे कम किसका है, हमारे पास सीपीयू बस टाइम P1 का है। लेकिन P1 का भाई ये सिस्टम में 1 पे आई है, तो जीरो टाइम पे कौन सी प्रोसेस अवेलेबल थी सिस्टम में, केवल एक प्रोसेस अवेलेबल थी, तो वही हम प्रोसेस एलोकेट करवा देंगे किस पे, P0 पे। तो जीरो टाइम पे कौन सी प्रोसेस एग्जीक्यूट शुरू होना शुरू हुई है, P0। और ये कब तक, क्योंकि ये नॉन प्रीएम्प्टिव है तो ये कब तक चलता रहेगा, सॉरी तो प्रोसेस P0 कब तक चली, जीरो पे आई थी और सीपीयू बर्स्ट टाइम कितना था, 5 था, तो 5 पे चली, 5 तक ही। अब देखो जब हमारे पास 5 टाइम यूनिट है तब सिस्टम में कौन कौन सी प्रोसेसेज है 5 टाइम यूनिट तक, P0 भी आ चुकी थी, P1 भी आ चुकी थी, P2 भी आ चुकी थी और P3 भी, जबकि P0 कंप्लीट हो चुकी है। मीन्स P5 सॉरी 5 टाइम यूनिट पे हमारे पास दीज 3 प्रोसेसेज आर अवेलेबल। अब इनमें से हमें देखना है कि सबसे मिनिमम बस टाइम किसका है, तो मिनिमम बस टाइम किसका है, P1 का है, तो हम सिस्टम में कौन सी एलोकेट करवाएंगे, सीपीयू किसको एलोकेट करवाएंगे, P1 को। और कब तक चलती रहेगी ये, 5 पे आई थी और बस टाइम इसका 3 है, तो 8 तक चलती रहेगी। तो हमारे पास अब ये वाली भी प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है, ये वाली प्रोसेस भी कंप्लीट हो चुकी है। तो और ये प्रोसेस कब कंप्लीट हुई है, 8 टाइम यूनिट पे। अब 8 टाइम यूनिट में हमारे पास सिस्टम में कौन कौन सी प्रोसेस अवेलेबल रह गई है, हमारे पास P2 एंड P3। अब इनमें से मिनिमम शॉर्ट बस टाइम किसका है, P3 का मिनिमम बस टाइम है, तो इसलिए पहले एलोकेट किसको होगा, सीपीयू P3 को। तो यहाँ पे हमारे पास कौन सी प्रोसेस को अलॉट हुआ है, P3 को। और कितनी देर के लिए अलॉट हुआ है, 6 टाइम के लिए, तो 8 + 6 = 14। तो ये प्रोसेस कब कंप्लीट होगी, 14 पे। तो प्रोसेस P3 भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब कौन सी प्रोसेस बची है, केवल P2 बची है, और वो कितना भी सीपीयू चाहिए उसको, 8, तो 14, तो सीपीयू अलोकेट हुआ इसको 14 पे P2 को। और कब तक का चलता रहा है ये, 22, 14 + 8 = 22। तो इस तरीके से हमारे पास ये शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट में, सबसे पहले हमें देखना है कि इस दौरान सिस्टम में कितनी प्रोसेसेस अवेलेबल हैं और उनमें से मिनिमम सीपीयू बस टाइम किसका है, उस प्रोसेस को आपने एलोकेट करवा देना है। और नॉन प्रीएम्प्टिव है, तो अगर एक बार एक सिस्टम को प्रोसेस को सीपीयू मिल गया, तो वो प्रोसेस जब तक अपना कंप्लीशन पूरा नहीं करती तब तक वो सीपीयू को फ्री नहीं करेगी। अब देखिए हमने वेटिंग टाइम निकालना है, वेटिंग टाइम में देखिए कैसे निकालेंगे, प्रोसेस P0 कब सीपीयू अलॉट हुआ, 0 पे, और आई भी कब थी, 0 पे, तो 0 - 0। P1 के लिए, P1 को कब सीपीयू अलॉट हुआ है, 5 पे, और आई कब थी, 1 पे, तो 5 - 1 = 4। P2 को कब सिस्टम अलॉट हुआ है सीपीयू, 14 पे, और आई कब थी, 2 पे, तो 14 - 2 = 12। P3 को, P3 यहाँ पे है, कब सिस्टम अलॉट हुआ था सीपीयू उसको, 8 पे, और आई कब थी वो, 3 पे, तो 8 - 3 = 5। तो इस तरीके से एवरेज वेटिंग टाइम कितना आ गया, 0 + 4 + 12 + 5 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्रोसेस मीन्स 4, तो 25, 1/4, 5.25। तो यहाँ पे देखिए एवरेज वेटिंग टाइम कितना है, 5.25, और ऊपर वाले केस में कितना था, 5.75। तो FCFS में वेटिंग टाइम बहुत ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू शॉर्टेस्ट जॉब नेक्स्ट टाइम या शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट टाइम। सो दिस वन इज ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द नॉन सॉरी प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स। थैंक यू ऑल।